बच्चों को मोबाइल की लत से छुड़ाने के लिए धनबाद के सांसद डुल्लू महतो ने बोकारो में फुटबॉल खेलकर नए अभियान की शुरुआत की है। महिला तीरंदाज एंजेला सिंह की ओर से इस मिशन से जुड़कर सभी बच्चों को खेल के मैदान में उतारने का काम कर रहे हैं। अजय जी भी कमान संभालेंगे अपनी टीम का बतौर कप्तान कैप्टन, इंडिया टीम का कैप्टनसी कर चुके हैं, आज अपनी टीम का कैप्टनसी लेके पीछे अभी यहाँ देखना पड़ेगा। राष्ट्रीय कैप्टन रह चुके हैं इंडिया टीम के, पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं और बहुत सौभाग्य की बात है कि वो सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। जो आज खास करके अंजला एंजेली द्वारा आयोजित आज के इस मैच में जो हमारे इंडिया टीम के कई पूर्व कप्तान मान और हॉकी के भगवान माने जाने वाले धनराज पिल्ले जी और इंडिया टीम के कई ऐसे पूर्व खिलाड़ी हमारे बीच में आए हुए हैं। आज हम लोग प्रदर्शित मैच का आयोजन किए हैं कि ताकि आजकल के जो आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे, आने वाले प्रतिभाशाली बच्चे जो मोबाइल पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं, हम लोगों का आह्वान है कि मोबाइल छोड़े, ग्राउंड चले और नशा हम लोग झारखंड देश को बनाना चाहते हैं ताकि नशा मुक्त हो और ग्राउंड की ओर चले। इसके लेकर हम लोग आह्वान करने के लिए आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ समाज, स्वस्थ समाज बोकारो की धरती ने कई खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा स्टेडियम नहीं बन पाया जहाँ पर सभी तरह के खेल खेले जा सके, उसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? ये खास करके राज्य सरकार को ये दायित्व बनता है, राज्य सरकार को जिम्मेवारी बनती है कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले हमारे इस देश के आने वाले भविष्य, आने वाले प्रतिभाशाली बच्चे कैसे उनके प्रतिभा के माध्यम से इस राज्य और देश का नाम कैसे रोशन हो, इस पर विशेष रूप से राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार इस प्रकार से ध्यान दे ही नहीं। हमें लगता है कि यहाँ पे जितने खिलाड़ी खेल प्रेमी आए हुए हैं सभी लोग, अरे खेल खेल मंत्री कौन है उनका नाम तक नहीं जानता हो, क्योंकि इस क्षेत्र में सरकार का कोई ध्यान है ही नहीं, ध्यान इस ओर बढ़ाया ही नहीं और ध्यान आगे बढ़ाने का प्रयास भी नहीं किया। इस क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चे को उसके प्रतिभा में सहयोग देने का काम न करने के कारण आज इस क्षेत्र के फुटबॉल खिलाड़ी हो, क्रिकेट खिलाड़ी हो, शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले बच्चे, उनको सहयोग न मिलने के कारण गांव में ही, घर में ही, मोहल्ले में ही सीमित रह जाते हैं। इसका मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर मैं जगह जगह पर हर प्रखंड में, जो रघुवर दास जी की सरकार के समय में बोला गया था कि हर प्रखंड में हम स्टेडियम बनाएंगे, जो हमारे खेल मंत्री अमर बाबू जी थे उस समय, मगर उस अधूरे कार्य को बहुत जगह पे बना है, जो जगह पे नहीं बना आने वाला समय जरूर हम बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।